बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम महमूद अज़ीम। ऐसे मोबाइल की जानब से इस वीडियो में हम टेक्नो पोवा LD7 मॉडल है ये, इसका हम FRP बाईपास करेंगे। इसको जीमेल अकाउंट लगा हुआ है, रिस्टोर किया हुआ है फ़ोन को, तो अभी वो जीमेल अकाउंट रिक्वायर्ड है इसको। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, इधर से स्टार्ट, नेक्स्ट, स्किप, और ये वाईफाई की ऑप्शन आ चुकी है इधर। ये वाईफाई कनेक्शन मांग रहा है कि इसको आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करें अपने फ़ोन को। ये देखिए, ये इधर स्किप की ऑप्शन नहीं आ रही। अगर जीमेल अकाउंट ना लगा हो, FRP लॉग ना हो, तो इधर स्किप की ऑप्शन आती है। तो विदाउट वाईफाई या इंटरनेट कनेक्ट किए हम इसको फ़ोन को मेन्यू में लेकर जा सकते हैं। अभी इस कंडीशन में हम इसको कनेक्ट करेंगे वाईफाई के साथ, और ये नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो जीमेल की ऑप्शन पे ये रुक जाएगा कि इसमें जीमेल अकाउंट लगाएं अपना, तब आपका फ़ोन मेन्यू में जाएगा। तो अभी हमने जीमेल अकाउंट जो इसमें ऑलरेडी लगा हुआ था उसको बाईपास करना है। तो वो कैसे करना है, तो आप इस वीडियो में देखें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कोई भी स्टेप आप मिस ना करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मैं वाईफाई कनेक्ट करता हूँ इधर अपना, ये इंटरनेट कनेक्ट कर लिया है मैंने। तो ये देखें, ये वाईफाई कनेक्शन हो चुका है मेरा। तो ये एग्री करके इसको नेक्स्ट करते हैं। तो ये इधर अपडेटिंग कर रहा है, ये इसको मैं डोंट कॉपी कर देता हूँ। तो ये आप देखेंगे, ये देखें, ये इधर यह कह रहा है कि आप पैटर्न लॉक इसमें लगाएं। पैटर्न लॉक भूल चुके हैं, उसकी वजह से हमने इसको रीसेट किया था फ़ोन को। रीसेट करने के बाद ये कह रहा है यूज़ माई गूगल अकाउंट। तो हम यूज़ माई गूगल अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो ये इधर ID मांग रहा है। तो ID हमें इसकी याद नहीं है, हम भूल चुके हैं, फॉरगेट है ID इसकी। तो इस वजह से हम इसको अभी बाईपास करेंगे। वो कैसे करना है वो आप देखेंगे इस वीडियो में। अभी मैं इसको बैक लेके जा रहा हूँ और आप देखेंगे कि हमने इसको बाईपास कैसे करना है। तो ये मैं इधर लैंग्वेज चेंज करूँगा इसकी, ये मैं उर्दू सेलेक्ट कर रहा हूँ इधर। ये स्टार्ट किया है मैंने, कंट्री सेलेक्ट करके स्टार्ट करना है आपने इधर। तो ये वाईफाई वाली ऑप्शन हमारी आ चुकी है, नेटवर्क शामिल करें, ये प्लस का निशान बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये कीबोर्ड की ऑप्शन आ चुकी है नीचे, ये देखें, ये उर्दू लिखा हुआ है, इसके ऊपर हमने इसको क्लिक करके रखना है। थोड़ी देर इसको हमने दबा के रखना है तो ये वाली ऑप्शन आ जाएगी हमारे सामने। ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखें। अभी ज़ुबान की तरतीबात, ये जो नीचे सबसे लिखा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये नीचे कीबोर्ड शामिल करें की ऑप्शन है, इसको आपने प्रेस करना है इधर, ठीक है जी। तो अभी हमने ये देखें, ये एरो का निशान बना हुआ है, उर्दू सेलेक्ट की थी आपने, उर्दू को ही सिलेक्ट कर लेना है इधर। ये देखें, ये इस पर क्लिक किया और ये अभी इधर 3 डॉट्स है कॉर्नर पे, इसको आपने क्लिक करना है और ये सेकंड ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। तो अभी ये इधर हम यूज मोर्स कोड की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर ये आपके पास शो ना हो रही हो तो इधर आप सर्च कर लेंगे इसको। ये वीडियो के ऊपर क्लिक किया तो ये जो वीडियो का नेम टाइटल है ऊपर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हमारा ये यूट्यूब जो है वो ओपन हो चुका है। इसको आप ड्रैग करके नीचे ले आए, इसको क्लोज कर दें। और ये जो इसकी सेटिंग की ऑप्शन है, ये कॉर्नर पे आप देख रहे हैं, इसके ऑप्शन में जाना है आपने। और ये तरतीब बात है जो इसके ऊपर आपने ये गियर का निशान है जो सेटिंग का, इसको क्लिक करना है। तो अबाउट में क्लिक करेंगे अभी, ये देखें। तो ये यूट्यूब की सर्विसेज की शरायत, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये हमारा ब्राउज़र ओपन हो चुका है, नेक्स्ट करेंगे इसको, नो थैंक्स। तो इधर अभी मैं एक वेबसाइट ओपन करूँगा, ये कीबोर्ड की लैंग्वेज चेंज कर लेंगे, FRP फाइल /bypass, ये नीचे आ गया सर्च इंजन में। ठीक है जी, ये वेबसाइट हमारी ओपन हो चुकी है। तो इधर हमने ये ओपन सेटिंग ऐप,
के ऊपर क्लिक करना है तो ये हमारा फोन सेटिंग में चला जाएगा। तो ये देखिए, ये अभी सेटिंग में हमारा फोन आ चुका है। तो इधर मैं इसकी सबसे पहले लैंग्वेज चेंज कर लेता हूँ ताकि हम इसको आसानी से एक्टिवेट कर लें। ये इधर इसमें इसकी लैंग्वेज है, तो ये इधर मैं ऐड कर लूँगा लैंग्वेज। ये देखिए, ये इंग्लिश ऐड कर लिया है। इसको ड्रैग करके हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारी लैंग्वेज इंग्लिश हो जाएगी। तो अभी मैं इसको बैक करता हूँ, इधर से बैक किया है मैंने उसको। ये देखिए जी, हमारी लैंग्वेज चेंज हो चुकी है फ़ोन की। तो अभी मैं इधर सिक्योरिटी की ऑप्शन में जाऊंगा और ये सबसे नीचे है स्क्रीन पिनिंग की ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक करना है और ये ऑफ है, इसको ऑन कर लेना है हमने। ये नीचे वाली ऑप्शन को भी ऑन करना है और ये देखें, ये इधर ऑप्शन आ रही है कि आप फिंगरप्रिंट प्लस पिन कौन सी ऑप्शन आप लगाना चाह रहे हैं। इसको ला के ये फिंगरप्रिंट प्लस पैटर्न पे मैं क्लिक करता हूँ तो कोई भी आप सिंपल सा पैटर्न ड्रा कर लें। इधर नेक्स्ट किया और ये पैटर्न ड्रा किया, ठीक है जी। ये फिंगर की ऑप्शन आ रही है इधर, इसको मैं स्किप कर दूंगा। ये देखिए, ये स्किप कर दिया मैंने। तो ये अभी हमने इसमें पैटर्न ड्रा कर लिया, तो मैं इसको अभी बैक कर दूंगा कंप्लीटली। फर्स्ट वाली ऑप्शन में मैं इसको ले आऊंगा फोन को, जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो ये देखिए, ये अभी मैंने स्टार्ट अगेन करना है इसको, नेक्स्ट करेंगे स्किप। ये वाईफाई हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो वाईफाई को मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा फॉरगेट करके, तो तब ये इधर हमारा और नेक्स्ट की ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास। ये मैंने वाईफाई का पासवर्ड लगाया, ये देखिए जी हमारा फोन नेक्स्ट स्टेप पे चला गया है। तो ये इसको मैं डोंट कॉपी कर देता हूँ। तो अभी ये इधर ऑप्शन आ गई हमारे पास पैटर्न की। तो पहले हमें पैटर्न था जो वो याद नहीं था, हम भूल चुके थे, तो अभी हमने वो उसको बाईपास किया है। तो जो हमने पैटर्न ड्रा किया था उधर, वो ही इधर हम ड्रा करेंगे। देखिए ये एल पैटर्न शेप बनाया था मैंने एल, तो ये देखें, ये स्किप की ऑप्शन आ गई है। अभी इधर आईडी मांग रहा है और स्किप की ऑप्शन भी है, पहले ये ऑप्शन नहीं थी हमारे पास। तो ये स्किप किया है मैंने इसको, तो ये अभी हमारा फोन बाईपास हो चुका है विदाउट पीसी विदाउट एनी डिवाइस। हमने इसको आईडी को रिमूव कर दिया आसानी से, तो ये बहुत आसान मेथड है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो ये देखिए, ये हमारा फ़ोन बाईपास हो चुका है, टेक्नो पोवा फ़ोन है हमारे पास, टेक्नो LD7 मॉडल है इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।